हेलो गाइस, कैसे हैं? आए बच्चे होंगे तो हमेशा एक तरह की वीडियो। और तो काफी टाइम के बाद, मतलब थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग टाइम के बाद ऐसे वीडियोस में लेकर के आता रहता हूँ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो आज का जो अपडेट है ये टेस्टिंग में था और ये अपडेट आ चुका था, तो मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो डाल दूँ बोर्नियो के ऊपर। बोर्नियो का अपडेट है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मोबाइल जो आपको मोबाइल रिपेयरिंग में काफी मदद होती है। तो चलिए मैं इसमें आपको दिखाता हूँ अपडेट क्या आया हुआ है, एक नया अपडेट क्या फंक्शन ऐड हुआ है। टेस्टिंग में था पर ये अभी सक्सेस रिपोर्ट है इनका। तो चलिए मैं वीडियो जो ही बनाता हूँ जो जेन्युइन वीडियो होता है जिसमें आपको प्रॉपरली तरीके से समझ में आए। तो आपको फिलहाल इसको डाउनलोड कैसे करना है गाइस, बहुत सिंपल तरीका है। आप फर्स्ट यूजर हो, आप पहली बार यूज कर रहे हो तो उनके लिए भी रहता है, बहुत बिगनर मतलब बहुत स्टार्टअप टाइप का रहता है। तो सीधा आप लिखेंगे बोर्नियो स्कमेटिक न्यू अपडेट्स लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे इनके आप साइड में चले जाएंगे। साइड में जाने के बाद सिंपल यहाँ पे नीचे डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप बहुत इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा पेज खुल रहा है तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ अगर, तो ये देखिए मैंने इसका न्यू पैच जो इसका आया है मैंने यहाँ पे इसका डाउनलोड कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 5.0 जो इसका आया हुआ है, 1 अप्रैल को अपडेट आया हुआ था। तो ये थोड़ा सा रीजन की वजह से निकल देखिए खुल गया। सिंपल सा आपको आना है और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं आप देखता हूँ कि इसमें क्या अपडेट आया है और आपको मैं क्या अपडेट है वो आपको मैं बता देता हूँ। चलिए तो ये देखिए, ये हमारा जो बोर्नियो स्कीमेटिक आप देख सकते हैं वर्जन 5 यहाँ पे पैच यहाँ पे 1.4, तो ये अपडेट है। जैसा कि इसको चलाना थोड़ा सा और मतलब ऐसा लगता है थोड़ा बहुत ज्यादा ही प्रोफेशनल हो चुका है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप किसी चीज को चलाना सीख जाते हैं तो वो इजी टू यूज होने लगता है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बात करूँ क्या अपडेट है यहाँ पे। तो अपडेट के लिए मैं सबसे पहले आपको कनेक्ट में जाना है। तो कनेक्ट होने के लिए आपको बोर्नियो कनेक्ट में क्लिक करना है, जिसमें जो फाइलें होंगी, जो फाइलें अपडेट होंगी, देख सकते हैं यहाँ पे फाइलें जो भी रिलोड होती रहती है उसको हमेशा ये अपडेट कर देंगे। मतलब बार बार आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से जो डेली इनका अपडेट होगा, जो भी ये अपग्रेड करेंगे इस टूल में, तो ये यहाँ पे ऑटो अपडेट हो जाएगा। आपको वापस से बार बार इसके नए टूल्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये मॉडल्स जैसे डेली अपडेट होते रहते हैं, एडेड होते रहते हैं हर एक दिन में, 2 दिन में, या फिर जैसे भी इनका डेली है, डेली का काम है अपडेट होना, तो ये अपडेट होते रहते हैं। तो सिंक्रोनाइज हो जाता है जिससे आपकी जो फाइलें हैं वो एडेड वाली फाइलें लोड हो जाती हैं। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर इसका जो मेन फंक्शन है, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि इसके जो कैसे यूज करते हैं, कैसे इसमें क्या क्या चीजें होती है। मेन इसमें एक ही एडेड हुआ है, स्मार्ट बोर्ड करके ऐड हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि वो क्या है क्या नहीं है, कैसे वर्क करता है, वो सारा कुछ मैं दिखाऊंगा। सिंक्रोनाइज होने के बाद देख सकते हैं ये पहले ही ऑप्शन आ चुका था। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्नियो स्कीमेटिक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, यहाँ पे जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है बोर्नियो स्मार्ट बोर्ड का एक ऑप्शन ऐड किया है इन्होंने। तो ये एक काफी अच्छा फंक्शन है। जैसे कि आप विट मैप वगैरह यूज करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली इसमें क्या ऐड हुआ है। ये की नया फंक्शन ऐड हुआ है, स्मार्ट बोर्ड का ऐड हुआ है, जिसमें आपको पीसीबी के सारे कंपोनेंट और भी इसमें जो है, मैं आपको सारा कुछ अपडेट इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। डेली अपडेट हो रहे हैं, बाकी काफी सारा हमेशा यहाँ पे चल रहा है। तो थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है इसलिए फाइलें सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर इतना टाइम नहीं लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्मार्ट बोर्ड में, अगर मैं आऊँ और बात करूँ यहाँ पे, ये मैं स्मार्ट बोर्ड पे क्लिक करता हूँ। स्मार्ट बोर्ड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सौमी, वीवो, सैमसंग वगैरह वगैरह काफी सारे मॉडल्स ऐड कर रहे हैं। मैं फिलहाल एक सौमी का कोई भी एक लेटेस्ट मॉडल या फिर जो भी एक मॉडल है मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो फिलहाल कोई भी मैं एक मॉडल आपको समझाने के पर्पज से ओपन कर लेता हूँ। ये पूरा विट मैप के थ्रू ही दिखता है, पर विट मैप एक अलग प्लेटफॉर्म है, ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये ओपन हो चुका है, तो देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड जिसमें आपके सारे कॉम्पोनेंट। अब इसमें इसको यूज कैसे करना है वो भी सारा चीज मैं आपको इस वीडियो में आपको कवर करूंगा और सारा कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए ये जो एक माउस का आप सर्कल देख रहे हैं, जैसा आप माउस अभी आप रख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, बट जैसे आप किसी कॉम्पोनेंट किसी कनेक्टर पे ले जाते हैं तो वो पूरे डिटेल्स आपको दे देता है कि ये कैपेसिटर क्या है, किस लाइन का है, कहाँ से आ रहा है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको स्मार्ट बोर्ड के नाम जानते हैं। इसमें आपको सिम के वजह से मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो ये बता रहे हैं सिम 2 का है, क्लॉक का लाइन है, जैसे कि आप जानते हैं सिम में जो सप्लाई होती है मैंने ऑलवेज पढ़ाता हूँ और सारा कुछ यहाँ पे पता चलता है। तो देख सकते हैं मतलब यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड यही है कि एक बोर्ड के साथ क्लेरिफिकेशन के साथ आप इसमें जान सकते हैं कि ये सप्लाई कौन सी है, ये कनेक्टर कौन सा है। आप जिस भी कैपेसिटर पे जाएंगे, वीपीएच पावर
अभी पे पावर के बारे में आपको नहीं पता है तो देखिए इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आपको सप्लाई के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको इसे टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आपको सारे नॉलेज अपडेट मिलते रहेंगे। तो फिलहाल मेरा यहाँ पे बताना ये था जो इसका अपडेट है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी कनेक्टर कॉम्पोनेंट आईसी पे आप जाएंगे उसकी पूरी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर आप डायोड मोड पे करते हैं गाइस तो इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, जो कि ये सबसे बड़ा मेजरमेंट है कि आप कनेक्टर की डायोड वैल्यू भी यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब एक जगह से कई सारे काम। तो ये डायोड मोड जो आपको मैंने बताऊं, क्योंकि मैं हमेशा नॉलेज वाली वीडियो आपके सामने लेकर के आता रहता हूं, तो देख सकते हैं इसको हम थोड़ा जूम करेंगे और देख सकते हैं जैसे आप कनेक्टर्स पे जाएंगे तो हर एक कनेक्टर का आपको यहाँ पे जीआर मिल जाएगा, किस पिन पे कितना जीआर आना चाहिए और आना भी चाहिए तो कितना आना चाहिए, एनसी है कि नहीं है। तो ये बहुत अच्छा काम लगा यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कि देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर्स की आपको हर एक के जीआर यहाँ पे विथ लाइनों के साथ, कि यहाँ पे माइक का है, आपको यहाँ पे डायग्राम खोलने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे विडमैप खोलने की जरूरत। विडमैप में तो आपको सप्लाइयां पता चलती थी, ट्रैक का नॉलेज पता चलता था, बट यहाँ पे गाइस आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी आईडी है, कौन सा हॉल है, कौन सा कनेक्टर है, किसके लिए। हम सीडीसी हेडफोन के लिए है गाइस, जैसा मैं बताऊँ सीडीसी एचएस डीटी लाइन हेडफोन, ये सारा कुछ मैं सप्लाई आपको पढ़ाता हूँ क्लास में, ये हेडफोन सीम वगैरह ये सारी सप्लाई मैं पढ़ाता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हेडफोन HPHL मतलब हेडफोन की स्पीकर लेफ्ट की सप्लाई है ये, तो ऐसे मैं सारे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, काफी वीडियो बड़ी बन जाएगी, पर मेरा समझाने का मोटिव यही था। ये स्मार्ट बोर्ड इन्होंने पैनल ऐड किया हुआ है जिसमें आपको सारे कनेक्टर्स, अगर आप इसको डायोड मोड को हटा देते हैं तो जीआर हट जाएगा, बाकी आपको सप्लाइयां पता चलेंगे कि ये कैपेसिटर्स क्या है, किस काम में लगे थे, काम में है कि नहीं है, कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है, तो ये पता चल जाता है, जो कि एक एडवांस लेवल समझ में आता है। बाकी डायोड वैल्यू आप यूज करिए जिसमें आपको हर एक कनेक्टर के जीआर मिलेंगे, जिसमें आप उसको फाइंड आउट करने में, ट्रेसिंग करने में काफी मदद होने वाली है। तो एक छोटा सा अपडेट था, बाकी हमारी सारा इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाला हुआ है, और भी मेरे वीडियोस में आप जाकर के वॉच कर सकते हैं जिसमें आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएगी। ये कनेक्टिविटी है, ये स्मार्ट बोर्ड उन्होंने डाल दिया है, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेट कर सकते हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, चलो ये फाइंड है, जैसे आप किसी आईसी के बारे में, कनेक्टर्स के बारे में ढूंढना चाहते हैं, किस आईसी किस कंफर्टेबल के बारे में जानना चाहते हैं तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से डाटा जो वर्क्स लिखा हुआ है ये है, आप इसकी फ्लैश फाइल, डंप, ENG फाइल, ये मतलब कुल मिला के फॉर्मवेयर स्टॉक रूम आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको पता चलेगा जो इनके काम करने का रेशियो होता है, मतलब एक सक्सेस रिपोर्ट ये तैयार करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी शेयरिंग है और ये आपका अकाउंट डिटेल। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। अपडेट वीडियो में हमेशा लेकर के आता हूँ फुल अपडेट के साथ, ऐसा नहीं आधा अधूरा नॉलेज और जिसमें आपको कुछ भी पता ना चले। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।